टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। पांच टुकड़े एक सुराग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि ये खौफनाक कत्ल की वो कहानी है जिसके अनसुलझे सवालों को सुलझाते हुए एक बार तो खुद पुलिस उलझ गई। और इन सवालों के जवाब ढूंढने गई पुलिस को लाश के कुछ टुकड़े तो मिले, लेकिन उनके साथ जब कत्ल की परत दर परत खुलनी शुरू हुई तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, सिर काटा गया, हाथ और टांग काटी गई, धड़ जंगल में फेंका गया और बाकी टुकड़ों को पानी में बहा दिया गया। मगर क्यों की गई हत्या? कौन है कातिल? कैसे हुआ खुलासा? कातिल ने क्यों कर डाले लाश के पांच टुकड़े? कातिल ने क्यों दिया डरावने हत्याकांड को अंजाम? पांच टुकड़ों में छुपा खौफनाक कत्ल का राज। तारीख 27 नवंबर, समय शाम के लगभग 5 बजे, पता यूपी का जनपद बुलंदशहर, घटना खौफनाक हत्याकांड। बुलंदशहर के नगर कोतवाली में बुधवार को एक युवक ने अपने पिता के घर से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया जाता है कि लापता हुआ 50 साल का वृद्ध पालिका में सफाई नायक है। बताया गया कि मदन मंगलवार को घर से बाइक पर सवार होकर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की, मगर मदन चावला की गुमशुदगी दर्ज करने वाली बुलंदशहर नगर पुलिस को इस बात का क्या इल्म होगा कि जिस 50 साल के मदन चावला की गुमशुदगी वो दर्ज कर रही है, कातिल ने उसे खौफनाक मौत दी है। वो खौफनाक मौत जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। पुलिस को पीड़ित परिवार से जानकारी मिली थी कि मदन का सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में रोज का आना जाना है। कोतवाली प्रभारी टीम के साथ गांव पहुंची तो पुलिस को पहली नजर में यहां सब कुछ ठीक नहीं लगा। शक के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी मदन को मौत के घाट उतार चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक मदन चावला के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 टुकड़े किए थे। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक के धड़ को गांव के पास से गुजरने वाले रजवाहे के किनारे फेंका है, जबकि सिर, हाथ और टांगों को पानी में बहा दिया। जबकि आरोपियों ने मृतक की बाइक को भी घर के कमरे में जमीन खोदकर जमीन में गाड़ रखा है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मदन का धड़ और जमीन में गड़ी बाइक तो बरामद कर ली, लेकिन पुलिस के कई सवाल अभी भी अनसुलझे थे, क्योंकि पुलिस को अब यह समझना बाकी था कि कातिलों ने आखिरकार मदन का कत्ल क्यों किया, और अगर हत्या की भी गई तो मृतक के शव के टुकड़े क्यों किए गए। मृतक की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर फेंकने के पीछे आरोपियों की क्या मंशा थी? ये नगर पालिका बुलंदशहर में मदन चावला नाम के व्यक्ति हैं जो सफाई नायक के पद पर तैनात थे। दिनांक 27/11 को इनके परिवारीजनों द्वारा थाना कोतवाली पे इनके गायब होने की सूचना दी गई कि ये मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर कोतवाली ने इसमें बहुत अथक प्रयास किया और सभी संभावित स्थानों पर जहाँ जा सकते थे तलाश का प्रयास लगातार चलता रहा। फिर इनके चाल चलन के बारे में, जो गायब थे मदन चावला, इनके चाल चलन के बारे में जानकारी करने पर उन्हें कुछ सुराग मिले। उसके आधार पर ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं मुकुटलाल देवीदास और इसकी जो पत्नी निर्मला है, इस बात जानकारी में बात आई कि यह तांत्रिक टाइप का कर्म कांड करता था और लोगों को झांसे में लेकर के और अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से ठीक करने का फर्जी दावा करता था।
और इसका यहाँ आना जाना था। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जब उस आदमी के घर पर गई जो सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ जाने पर इनको प्रथम दृष्टया ही कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे लगा कि यहाँ पे हत्या जैसी कोई घटना की गई है। फिर इन्होंने उसके घर से उसकी मोटरसाइकिल, जो गायब था मदन चावला, उसकी मोटरसाइकिल बरामद की। गहराई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने जुर्म को कबूल किया। मृतक के खून सने कपड़े, अभियुक्तों के खून सने कपड़े, आला कत्ल, रक्तरंजित, और फिर बाद में उसी की निशानदेही पर शव के अलग अलग पार्ट्स बरामद किए गए। कहानी को ले निकल के आई कि अभियुक्त का कहना है कि इसने झांसा दे करके इसे और इसकी पत्नी को पिछले 9 सालों से इस सम्मोहन में रखा था कि वो सारे रोग इसके ठीक कर देगा, और उसके एवज में वो इसकी पत्नी के साथ इसे बाहर बैठा करके दुराचारपूर्ण आचरण करता था, जिससे खिन्न आकर के इसने डंडे से उसके सिर पर मारा और उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को ठिकाने लगाने के इरादे से उसके शव को काट काट के टुकड़े टुकड़े किए और अपने भाई का सहयोग लेकर के शव का डिस्पोजल किया। सर, मृतक के सिर और पैर दोनों चीज़ें काट दी गई थी, सारे पार्ट पुलिस ने बरामद कर लिए, कुछ शेष रह गए? हाँ, निश्चित तौर पर शरीर के कुछ टुकड़े उसने नहर में डाल दिए थे। काफ़ी प्रयास आज दोबारा पुलिस टीम के द्वारा किया गया, गोताखोरों की मदद से किया गया, लेकिन वो बड़ी नहर है जिसको अपर गंगा कैनाल कहते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी और होने की वजह से वो कुछ खोए हुए टुकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन शरीर का मैक्सिमम पार्ट बरामद हो चुका। सर, इस हत्या में जो आरोपी है इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल हैं, यानी इसकी पत्नी और उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल रहे हैं? उसके अतिरिक्त इसका भाई है जो पड़ोस में रहता है, जिसके घर के अंदर से इसकी मोटरसाइकिल मिली है जिसको उसने गड्ढा खोद के जमीन के अंदर डाल दिया था। थैंक यू। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस उस रजवाहे पहुंची जहां आरोपियों ने मृतक मदन का सिर, हाथ और टांग पानी में बहाए थे। यहां से भी पुलिस को मदन की लाश के कुछ हिस्से मिले। वहीं आरोपियों ने पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़ी जो बातें बताई उन्हें सुनकर एक बार को तो पुलिस के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। आरोपी ने बताया कि मृतक मदन से उसकी मुलाकात साल 2012 में हुई थी। आरोपी की माने तो मृतक ने आरोपी को बताया था कि वो तंत्र विद्या जानता है और वो तंत्र मंत्र के जरिए किसी के भी दुख दूर कर सकता है। आरोपी का इलाज करने के बहाने मृतक आरोपी के घर पहुंच गया और मृतक ने आरोपी को घर के बाहर बिठाकर उसकी पत्नी को के साथ घर के एक कमरे में रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, आरोपी की माने तो मृतक इसके बाद से ही लगातार उसकी पत्नी का यौन शोषण कर रहा था। रोज की हरकत से तंग आई पीड़िता ने जब सारी अपबीती पति को सुनाई तो आरोपी पति ने भाई और पत्नी के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्याकांड की पटकथा लिख डाली। इतना ही नहीं, मृतक की हत्या कर उसकी लाश के 5 टुकड़े करने वाले आरोपी को अपने इस जुर्म पर अब तक कोई पछतावा नहीं है। ये हत्या क्यों की है? ये हत्या जी मेरी घरवाली के साथ में ये बलात्कार करते थे आगे। अच्छा। हाँ, और हम जे तंत्र विद्या में फंसा रखे थे। इनकी इच्छा पूरी नहीं होती थी तो ये हमें परेशान करे। कैसे आपके यहाँ आना जाना शुरू हुआ इनका? गांव के थे एक विनोद कुमार जी, उन्होंने मेरे को 2010-11 में संपर्क कराया इनसे। मेरे को खून की उल्टी लगी थी जब संपर्क करवाई थी, तो उसके बाद भी इन्होंने मेरी घरवाली अंदर ले जाकर नहीं, मेरे से जो भी पूजा का सामान था वो सब ले लिया था। घरवाली को अंदर जबरदस्ती इसके साथ रेप करा इसने। अच्छा, तो कैसे मारा तुमने? मैंने जी इनके खोपड़े में डंडा मार के फिर जो इनके रस्सी से बलब घूट दिया, ये बेहोश हो गई। रस्सी बंद करने से दम निकल गया इनका। फिर जो मैंने इनके जो बलकटी से फेंडा कर दिए नाल के और इसके बलब। और कौन था साथ आपके? मैं अकेला था सर। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी के साथ ये सब कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं? मेरी पत्नी बताती थी कि। अच्छा, लेकिन हमें इनसे डर लगा, साथ ये दबंग आदमी थे, पुलिस में भी और सरकारी आदमी थे। अच्छा, फिर आपने जब टुकड़े कर दिए उसके बाद क्या किया?
फिर हमने ये नहर पर फेंक दिए जी। नहर में ये सिर और जो ये बहते पानी में डाल दिए, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा था ये हमने आज झुंडों में डाल दिया नहर की। अब आपको जेल जाना पड़ रहा, पछतावा है कि आपने इस तरह से घटना को अंजाम दिया? पछतावा का साहब ये इन्होंने सोईयों जनानी हंसा रखी है सबके साथ ऐसे ही करते थे, तो कोई पछतावा आपको नहीं है? मेरे को तो पछतावा है नहीं जी। ये पहली बार नहीं जब बुलंदशहर में तंत्र मंत्र के चक्कर में कोई घर बर्बाद हुआ हो। तंत्र विद्या में बीते साल भी बुलंदशहर में एक मासूम की बलि देने के बहाने तांत्रिकों ने उसकी हत्या कर उसके शव को अलीगढ़ क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।